बिस्मिल्लाम काल उर्दू अकेडमी जनरल नॉलेज पेपर्स 2024 क्वेश्चन नंबर वन आई बॉट पिक्चर्स व्हेन आई वाज डैश हॉलीडे डैश जून नाउ आई एम गोइंग टू हैंग देम डैश द वॉल दुरुस्त प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए इन हाली जगहों को पूर करना है आई बॉट पिक्चर्स वन आई वाज

औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुला निज़ामुद्दीन ने इसका आगाज़ किया दरस निज़ामी दरअसल नसाब तलीम था और इस नसाब तलीम में कुरान, हदीस, तफसीर फ़िका और दीगर इस्लामी अलूम शामिल थे और मुख्तफ़ इस्लामी मदरसों और दारुल अलूम में इस निसाब को पढ़ाया जाता था दरस निजामी का आगाज़ अठारहवीं सदी ईसवी में किया गया था क्वेश्चन नंबर थ्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान ऑन टवेल्थ सितंबर 1956 के बारह सितंबर उन्नीस सौ छप्पन में पाकिस्तान के वज़ी अज़म कौन थे तो पाकिस्तान पर अब तक तकरीबन तक बत्तीस लोग बतौर वज़र अज़म हकूमत कर चुके हैं इनमें से पहला वज़र अजम लियाकत अली हाँ दूसरे वजी अजमजा नाजमुद्दीन थे तीसरे वजीर अजम मोहम्मद अली भोगरा चौथे वज़़र अजम चौधरी मोहम्मद अली और पाँचवें हुसैन शहीद सोहरबर्दी थे अब बारह सेप्तम्बर उन्नीस सौ छप्पन में पाकिस्तान के वज़ी हुसैन शहीद सोहरबर्दी थे और ये पाकिस्तान के पाँचवें वजी अजम थे इनका दौर हकूमत बारह सितम्बर उन्नीस सौ छप्पन से अठारह अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तावन तक का है पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़र अज़म हैं वो शहबाज़ शरीफ़ हैं और ये पाकिस्तान के तेंतीसवें वजी अजम हैं क्वेश्चन नंबर फोर दिल्ली एग्रीमेंट वॉज आ ट्राइलेट्रल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन यानी दिल्ली तीन, की तीन मौमालिक मौमालिक के, के दरमियान हुआ था तो ये इंडिया पाकिस्तान और बंग्लादेश के दरम्या हुआ ये माह अट्ठाईस अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर को हुआ था और ये माह यकम जुलाई उन्नीस सौ चौहत्तर को अहतम पज़ी हुआ इस माहे को मैं दरअसल की कीदगी के पस मंज़र में हुआ था और इस माहे में ये तय पाया गया था कि किलहदगी के वक्त जो लोग मशर्की पाकिस्तान में रह गए हैं और वो मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको मशर्की पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान की तरफ़ जाने की इजाज़त दी जाए उनका तबादला किया जाए इसके अलावा दिल्ली में चंद पाकिस्तानी ऑफिसर्स और आम आवाम भी क़ैद थे तो उनकी रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए भी ये माह किया गया था क्वेश्चन नंबर फाइव द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ के हालिस पानी की पोटेंशियल जो है वो कितनी होती है तो ये ज़ीरो होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही इनमें से वो कौन सी शख्सियत हैं जिसने दीन को कबूल किया था तो बीरबल वो शख्सियत हैं जिसने दीन को कबूल किया था दीन इलाही का तस्वुर सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर ने पेश किया मुगल बादशाह अकबर ने तमाम मजाहब के आला अहकाम और तलीमात को इकट्ठा करके एक नए मज़हब को मुतारफ़ करवाया जिसका नाम दीन इलाही रखा गया और बीरबल अपने आखिरी दम तक दीन इलाही से वस्ता क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है तो पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी केटू है ये पाकिस्तान की पहली और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टन है ये कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है और इसकी बुलंदी आठ हज़ार छः सौ ग्यारह मीटर है क्वेश्चन नंबर एट दिल्ली प्रपोजल वाज बाय के तजावीज़ दिल्ली को किसने पेश किया था तजावीज़ दिल्ली या इसे मुस्लिम तजावीज़ भी कहा जाता है इसको कायद अजम मोहम्मद अली जना ने बीस मार्च उन्नीस सौ सत्ताईस को पेश किया कायद अजम अली जना ने कांग्रेस के साथ मुफाहमत के लिए एक फार्मूला तैयार किया था जिसे आम तौर पर तजावीज़़ दिल्ली के नाम से याद किया जाता है कायद अजम ने कांग्रेस के सामने चंद शराइत पेश की कि अगर ये शराइ कांग्रेस मंजूर कर लेती है तो मुस्लिम लीग महलूद इलेक्शन को मंजूर करेगी इसमें से पहली जो शर्त थी वो ये थी कि सिंध को मुंबई से अलग करके एक नया मन सूबा बनाया जाए सूबा सरहद और बलोचिस्तान में भी दीगर सूबों के मसावी असलाहत नाफिस की जाएँ तीसरी तजवीज़ ये थी कि मरकज़ी मुक़न्ना में मुसलमानों के लिए कम अज़ कम एक तहाई नशस्तें महसूस की जाएँ चौथी शर्त ये थी कि पंजाब और बंगाल के सूबाई कानून साज इस्बली में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी जाए दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ वो टूक अ टेस्ट येस्टरडे हमने कल एक टेस्ट दिया ये किस किस्म का जुमला है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस यानी एक सादा सा जुमला जो अपना मुकम्मल मानी फराहम करे उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ई सी जी टर्म इज़ एसोसिएट विद ई सी जी की टर्म किसके साथ मुंसलिक है तो ई सी जी मुहफ़ है अलेक्ट्रोकॉर्डियोग्राम का इसका ताल्लुक दिल से है और ये एक टेस्ट का नाम है यह टेस्ट बुनियादी तौर पर दिल की हरकत यानी हार्ट बीट को चेक करने हार्ट अटैक की वजूहत जानने के लिए किया जाता है सो ईसीजी का ताल्लुक हार्ट यानी दिल से है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हिरन मीनार वाज बिल्ड बाय हिरन मीनार को किसने तामीर किया तो हिरन मीनार को जहांगीर ने तामीर किया था हिरन मीनार शेहपुरा में है कहा जाता है कि किसी ज़माने में शेहपुरा बहुत सरसब्ज व शादाब था और इस इलाके को शाही कारगाह की हैसियत हासिल थी मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इस इलाके में कयाम किया था जहांगीर की वालदा प्यार से जहांगीर को शेहू कह के कह के पुकारती थी और इसी बिना पर इस इलाके का नाम शेहपूरा रखा गया कहते हैं कि जहांगीर ने एक हिरण पाला था जिसका नाम हंस राज रखा था एक दिन शिकार के दौरान जहांगीर का अपना ही तीर उस हिरन को लग गया और हिरन मर गया अब उस हिरण की याद में उसकी कब्र पर यह मज़ार जो है ये मीनार जो है वो तमीर किया गया और इसकी तमीर 1608 में की गई क्वेश्चन नंबर फोटीन विच पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद करतारपुर करतारपुर से किस शख्सियत का ताल्लुक है तो करतारपुर के इलाके से बाबा गुरु नानक जो है इस शख्सियत का नाम जहन में आता है बाबा गुरु नानक इनकी पैदाइश ननकाना साहब लाहौर में हुई और इनकी वफात 22 सितंबर पंद्रह को करतारपुर में हुई सिख मत के ये बानी थे इनका कलाम भजनों की सूरत में सिखों की मुक़दस किताब ग्रंथ साहब में मौजूद है इन्होंने अपने कलाम में लोगों को अमन भाईचारे मसावत नेकी और हसन सीरत का पैगाम दिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सीजेंट एक्सीजेंट का आपने मुतरद बताना है एक्सीजेंट का मतलब होता है फौरी जल्दी तो एक्सीजेंट का मुतरदफ़ अर्जेंट यानी जल्दी है जबकि बाकी जो तीन ऑप्शन हैं उसमें से एक माइनर है जिसका Uh, मानी है मामूली दूसरा ट्रिवियल है उसके मतलब भी मामूली के हैं और तीसरा स्टेबल है जिसका मतलब फिक्स होना किसी चीज़ का तो एक्सीजेंट फौरी जल्दी एक्सीजेंट का मुतरद सिनोनिम अर्जेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच कैनल कनेक्ट्स द एंड अटलांटिक ओशंस के इनमें से वो कौन से कैनल है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को आपस में मिलाती है तो ये पानामा कैनल है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून के इनमें से वो कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई चांद नहीं है तो मरकरी का कोई चांद नहीं है ज़मीन के पास एक चांद है मार्स के पास दो चाँद हैं जबकि सैटर्न के पास जो हैं वो एक सौ छियालीस हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑफ इम्पेचुअर्स impetuous का मुतरद क्या है impetuous कहते हैं जल्दबाज को तेज़ को जल्दी से काम करने वाले को तो इन में से इसका मुतरद रैश रैश का मतलब भी जल्दबाज होता है तेज़ी से काम करना होता है जबकि वायलेंट का मतलब जो है वो शदीद गुस्से से भरा हुआ रिसोर्सफुल का मतलब है ज़रा से भरपूर और प्लीजिंग का मतलब है खुशगवार तो रैश जल्दबाज और इम्पैचुस भी जल्दबाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच यू एस प्रेजिडेंट विजिट पाकिस्तान इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन के कौन से वो यू एस के सदर थे अमेरिका के वो कौन से सदर थे जिन्होंने उन्नीस सौ उनहत्तर में पाकिस्तान का दौरा किया तो ये रिचर्ड एम निकन थे रिचर्ड एम निकन जनवरी उन्नीस सौ तेरह को पैदा हुए और अप्रैल उन्नीस में इनका इंतकाल हुआ और ये अमेरिका के में सदर थे और इन्होंने उन्नीस में सदर के अहदे पर ये फ़ॉस हुए और उन्नीस में इन्होंने रिटायरमेंट दी थी रिचर्ड एम डिक्शन ने उन्नीस को पाकिस्तान का दौरा किया था